अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें। आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी फ्राई पालक, क्रिस्पी फ्राई स्पिनेच। लेकिन इसको देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। इसके लिए मैं आपको अपने किचन गार्डन में लेके आई हूँ, जहाँ से मैं ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश पालक तोड़ रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ताज़ा सब्जी तोड़ने में इतना मजा आता है। आप इसको इस तरह से किसी प्लास्टिक कंटेनर में, किसी प्लास्टिक की ट्रे में भी लगा सकते हैं आराम से। पालक बहुत आसानी से घर में उग जाती है। देखिए, मैंने सारी पालक जमा कर ली है, तोड़ ली है। अब मैं आपको इससे क्रिस्पी फ्राई पालक बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा, 1 टेबल स्पून बेसन, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, और मैं आपको मसाले बता दूं इसमें मैंने मसाले कौन से डाले हैं। इसमें मैंने पिसा कुटा हुआ सूखा धनिया लिया है, पिसी लाल मिर्च और नमक, ये मैंने 1/2 टीस्पून लिए हैं। और इसमें मैंने चाट मसाला, भुना कुटा जीरा और काली मिर्च 1/4 टीस्पून लिया है। और मैंने इसमें 2 चुटकी, तकरीबन 1.5 से 2 चुटकी अजवाइन, 1 चुटकी भर के और 1/2 चुटकी अजवाइन ली है। थोड़ी सी अजवाइन तकरीबन 1/8 टीस्पून के बराबर होगी। तो ये सारी चीजें इसमें जाएंगी। अब इसको मैं अच्छी तरह से चम्मच से पहले मिक्स कर लूंगी और फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छा सा बैटर बना लूंगी। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी कि इसको और क्रिस्पी करने के लिए मुझे क्या करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छा सा बैटर बना लूंगी, ना तो बहुत पतला हो और ना ही बहुत गाढ़ा। जैसे आप पालक के पकौड़े बनाते हैं, जिस तरह से आप बेसन बनाते हैं उसका, उस तरह से बैटर बनाना है। तो 1 कप में से मेरा इतना पानी चला गया है, थोड़ा सा पानी बचा है। आप इसकी कंसिस्टेंसी, इसकी थिकनेस चेक कर लें किस तरह से, ना तो बहुत पतला हो ना ही बहुत गाढ़ा हो। ये मैं इस पर डाल रही हूँ तकरीबन 1/8 टीस्पून के बराबर लहसुन का पाउडर, गार्लिक पाउडर। ये ऑप्शनल है इसलिए मैंने बाद में डाला है। अगर आपको गार्लिक फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें डाल लीजिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। और इसको मैंने, जो पालक मैंने अपने किचन गार्डन से तोड़ी थी उसको मैंने धो लिया है अच्छी तरह, और इस तरह से छलनी में प्लास्टिक की टोकरी में रख दी है कि उसका पानी सारा निकल जाए। अब मैं इसको इस बैटर में डिप करूंगी, उसके बाद मैं इस पर ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करना है। इसको पहले आप इस तरह से बैटर में डिप करें और बाउल की साइड से लगा के जो एक्स्ट्रा बैटर है उसको उतार लें और फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स कोट कर लें। मैं आपको बताती हूँ किस तरह कोट करना है। इस तरह से आप ब्रेड क्रम्स कोट करें और इसके ऊपर चम्मच से या फॉर्क की मदद से, कांटे की मदद से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स डालते जाएं और इसको हल्का हल्का सा उसकी मदद से, कांटे या चम्मच की मदद से दबा दें, प्रेस कर लें, ताकि अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर कोट हो जाएं। इस तरह से मैं सारी पालक को करके रख लूंगी, जितनी आपको बनानी है उतनी कर लें। मैंने अभी कुछ पत्ते बनाए हैं, लगा के रखे हैं, बाकी मैं बाद में करूंगी आपको दिखाने के लिए। मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। मैं इसमें पालक को डाल के फ्राई करूंगी। इसको फ्राई करने में ज्यादा देर नहीं लगती है, ये 3 मिनट में, तकरीबन 3 से 4 मिनट में फ्राई हो जाता है। मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर जब दोनों तरफ से हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। इतनी झटपट और क्विक रेसिपी है और इतनी मजे की है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत मजे की बनती है और बहुत आसान रेसिपी है। सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में होते हैं। अगर आप पालक घर में उगा लेंगे तो फिर तो हर इंग्रेडिएंट आपके घर पे मौजूद है। जबरदस्त क्रिस्पी फ्राई पालक, क्रिस्पी फ्राई स्पिनच तैयार है। ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आप पैकेट के चिप्स खा रहे हैं, इतनी मजे की लगती है। इस तरीके से आप बच्चों को सब्जी खिला सकते हैं। आप इसको इफ्तारी में बनाइएगा, ये इफ्तारी की दावत के लिए परफेक्ट आइटम है और ये शाम की चाय के साथ एक जबरदस्त स्नैक है और बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। बच्चे इसको बहुत शौक से खाते हैं। जो बच्चे सब्जी नहीं खाते, पालक नहीं खाते, उनको ये पालक खिलाने का एक बेहतरीन तरीका है। आप इसको जरूर बनाइएगा और आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आप बेल आइकन दबाएंगे तो मेरी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलेगा। और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।